पिछले दिनों नानक मत्ता में हुई डेरा प्रमुख की हत्या में वांछित बदमाश की देर रात एक मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक भगवानपुर क्षेत्र में जब मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह अपनी मोटरसाइकिल से पिरान कलियर जाने वाले रास्ते पर भागे, जहां बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश मौके से भाग निकला तो वहीं दूसरे बदमाश की मौत हो गई। जब ये काफ़ी समय से उत्तराखंड की पुलिस जो है इसमें अभियुक्त के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि इसकी पहचान और पता सब मालूम चल चुका था। तो पुलिस का बराबर दबाव था इन पर, इनके जो होम एड्रेस है, इनके जो रिश्तेदार नातेदार हैं, सब जगह पुलिस लगातार उस पर दबाव डाल रही थी, जिस पर अभी जो वहाँ की लोकल पुलिस है उनके साथ टाई अप करके हमारे उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि रात में इस तरह से ये संदिग्ध बदमाश जो है इस तरफ जो है भागने का प्रयास कर रहे हैं, बाइक से दो जने हैं। तो इस सूचना पर जो है तुरंत जैसे ही हमारे उत्तराखंड पुलिस को मिली, भगवानपुर और हरिद्वार, साथ ही कुमाऊँ के एसटीएफ और देहरादून के एसटीएफ, गढ़वाल के एसटीएफ, इनके द्वारा घेराबंदी की गई। तो यहाँ पर ट्रैश वाला रोकने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस के टीम पर फायर किया, तो जवाबी जो आत्मरक्षा में जो फायर किया गया उसमें जो है उसको गोली लगी और अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उसकी मृत्यु होना डॉक्टर के द्वारा बताया गया। ये जो है खटीमा में 28 तारीख को वहाँ जो नानक